मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब थकान वकान कुछ भी महसूस हो ही नहीं रही है और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अभी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए और दूसरों की परफॉर्मेंस देखने के लिए और स्पेशली स्टेज पे जाने के लिए, बिकॉज मुझे देखना है पीपल आर लाइक सो चोफुल एंड यू नो सो एक्साइटेड। तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई एम नॉट डांसिंग, आई एम सिंगिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई एम गोना डू अ सिंगिंग परफॉर्मेंस, आज से पहले कभी भी नहीं किया है तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, बट माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड मेरी एक्साइटमेंट जो है वो उसको ओवरकम करिए, सो इट्स ऑल राइट। सो इट्स नॉट गोना बी माई सॉन्ग, इट्स अ थिंग ऑफ लाइक 8 सॉन्ग्स। तो हाँ, लेट्स सी। पहली बार तो प्रेपरेशन तो यार बहुत टाइम से चल रही है, जब से हम लोगों को बता रहे हैं कि एपिक फैम जम आने वाला है तभी से बस होने लगा था, कौन से गाने गाने हैं, कैसे गाने हैं, कितनी बार हम लोगों ने लिस्ट बनाई है गाने, वो गाने गाए मैंने, प्रैक्टिस किए, बट फिर इतना मज़ा नहीं आया तो फिर चेंज किया, फिर गाए, फिर वो कुछ गाने चेंज किए, आगे पीछे उस सब किया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत टाइम से प्रैक्टिस हो रही थी और बहुत मेहनत भी लगी है, अब बस कामयाब हो जाए। सो ऑल क्रेडिट गोज टू माई मम्मा, क्योंकि मैंने कोई और ड्रेस पहनने का सोचा था, वो जब बन के आया तो वो पसंद नहीं आया, तो फिर ये मेरी मम्मा का 11th आर अमेजिंग लुक था मेरे लिए, एंड थैंक यू मम्मा, थैंक यू, आई एम लविंग इट, एवरीबडी इज़ इन फैक्ट लविंग इट, बिकॉज मेरा जो कैंप का थीम था वो प्रिंसेस थीम था, तो मेरे थीम के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से जा रहा था, एंड यू लाइकिंग इट। नो, इट्स नॉट लाइक अ टिकटॉक इवेंट, इट्स बेसिकली फॉर ऑल द सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज एंड ऑल द इन्फ्लुएंसेस, नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम टिकटॉक, सो इट्स लाइक फॉर द यूट्यूबर्स, फॉर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसेस, फॉर टिकटॉकर्स, सो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, इट्स नॉट पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म। बस अभी मैंने बहुत प्रेप किया है, नहीं अब मेरी आवाज़ सिर्फ आपको स्टेज पर ही सुनने मिलेगी, बाकी बात करते मैं सुनूँ। थैंक यू, बाय, लास्ट। अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है एपिक फैम जैम, जहाँ पर सब के फेवरेट यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे और बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे जितने फैंस हैं वो बहुत खुश हैं। मैं बोलूँगी दैट दिस इवेंट इज़ मेड फॉर द फैंस आई गेस, एंड इट रिप्रेजेंट्स फैन पावर विच वी बेसिकली, देख रहे हैं ये फैन पावर। सो या आई एम जस्ट रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से सब अरेंजमेंट हुआ गया है एंड हम लोगों के फैंस बहुत इंजॉय कर रहे हैं, विच आई लव, लाइक दिस इज द बेस्ट पार्ट। वी कैन सी हमारे कैंप के अंदर जब फैंस आ रहे थे तो बहुत खुश थे, कोई एकदम ही अपनी एक्साइटमेंट में आ रहा था एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। वेल आई थिंक क्विकी एंड इनसाइडर का जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है और ये चीज़ करने के लिए गट्स चाहिए होता है जो उन्होंने यू नो वो पहले आए, सो आई थिंक वी ऑल शुड थैंक टू देम, क्योंकि एज अ कंपनी इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग कंपनी एंड दिस इनिशिएटिव दैट दे हैव टेकन
आई जस्ट होप कि और भी बहुत ऐसी चीज़ें आएँ उनकी लाइफ में जो वो इनिशिएट करें और क्रिएट करें, एंड दिस वन इन पर्टिकुलर इज सुपर सुपर हिट. आई मीन द एवरीथिंग वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड. थैंक यू. Honestly, this is our first fam jam, if you call it. This is the, like, we've met our fans obviously so many times, but this is on a larger scale, and everybody can come watch us perform live. So that's a huge thing for us. Yeah, we are performing. Well, that's a surprise for you. Thank you. Parul, I'm just getting ready. We are you can see it. This is like really epic. पता नहीं क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है. And this is और बहुत epic हो रहा है कुछ epic. मुझे बस एक चीज पता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया लाइफ में. मेरे माँ बाप का कर्म है जो हमें यहाँ पे खड़े रहने का मौका मिला है, और क्यूकी की कृपा है जो हमारी कंपनी है. क्योंकि और थोड़ी बहुत हमने भी मेहनत करी है, और हमारे फैंस जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है कि यहाँ पे बहुत गिने चुने क्रिएटर्स हैं जिनमें से हम एक, हमें ये स्टेज मिला है. सो वी आर जस्ट थैंकफुल एंड वी फील लाइक स्टार्स. आज हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत फन फील्ड है, बहुत फन है. आप मुझे और विशाल को एक ऐसे रूप में देखने वाले जैसा कभी नहीं दिखे हम. और इसके बाद हम दिखेंगे भी नहीं ऐसे रूप में, बड़ी एपिक फैम जैम के लिए. और ये जो इनका परफॉर्मेंस है ना, उसको दिल पे मत लेना, बस एंजॉय करना उसको. हमें फरवरी 10th को एक साल पूरा होने वाला है, 3 दिन सेलिब्रेट. क्वेश्चन कंप्लीट. ये पहला इस साल का फैन जैम नहीं है, ये पहला इन्फ्लुएंसर फैन जैम है. आपने बॉलीवुड के मीटअप सुने होंगे, यूट्यूब आर्टिस्ट के होते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर मतलब सारे इंस्टाग्राम के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल पर्सनालिटीज हैं. ऑल एट वन रूफ. दिस इज द बिगेस्ट इवेंट यार, दिस इज द बिगेस्ट इवेंट. मैंने इससे बड़ा स्टेज नहीं देखा. हां, मैंने नहीं देखा. मैंने भी नहीं देखा यार. थैंक यू. थैंक Thank you. Bye. Thanks, guys. So I am getting a press. I'm getting the photographers here. No. So you will cooperate me. I'll cooperate with you. Guys, आप media हो sir, please अंदर चलिए. Everyone go behind. Parul. Photographers यहाँ से होगा. ठीक है. Everybody will have to go inside. Please. Nobody outside. Yes, everyone inside. It's crazy though, experience it is crazy. यहाँ के जो लोग हैं, जो energy उनमें है, it is jump out I would say. मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसी audience जब आपको मिलती है, आपको सुनने के लिए, आप जब उनके सामने perform करते हो. I don't think इससे better हो सकता है कुछ. I wish मेरे पास और time होता perform करने के लिए, मैं और ऐसी audience के लिए और देर you know perform करने का मन करता है. But super fun, बहुत अच्छा लगा. And talking about fam jam, it's I think epic fam jam is basically for the you know the TikTok stars, and I think they've done brilliant you know in their own fields. Itni insane fan following aaj ki date mein lena, and at you know such a young age, I think it's brilliant.
बहुत कुछ हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, यू नो, एंड आई लव देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग. अवेज, नगमा, एमएनवी, आशिका, ऑल ऑफ देम, आई लव देम फॉर व्हाट दे डू. सो आई थिंक इट्स सुपर फन टू बी पार्ट ऑफ दिस. जी जी. अच्छा, ऑलराइट. सो हाँ, सो मैं ऑफकोर्स मैं अपने बैंड के साथ लाइव परफॉर्म कर रहा था, आई वाज सिंगिंग हियर, एंड बहुत लोगों को शायद अभी नहीं पता भी. सो टीवी से ब्रेक लेके मैंने फाइनली म्यूजिक में पूरा कम्प्लीटली शिफ्ट कर लिया है, एंड आई एम सिंगिंग नाउ, आई एम कंपोजिंग नाउ, आई एम म्यूजिक डायरेक्टर नाउ. बहुत जल्दी कपल ऑफ वेब सीरीज में मेरे कंपोज गाने, मेरे गाए हुए गाने आ रहे हैं. सो इंशाल्लाह प्लीज जरूर. आई लव द शिफ्ट. जी ऑफकोर्स. हाँ, सो बिकॉज इट्स देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, बट आई थिंक टीवी, मैंने बहुत टीवी नहीं किया है, बट आई थिंक आई हैव डन इनफ टू एक्सपीरियंस व्हाट टीवी इज. नो रिग्रेट्स. बहुत टीवी ने बहुत कुछ दिया. टीवी ने बिग बॉस दिया मुझे, एंड आई थिंक बेसिकली बिग बॉस के बाद ही हुआ था दैट आई रियलाइज दैट आई कांट बी शूटिंग एवरी डे फॉर 12-14 आवर्स एवरी डे, एंड यू नो प्लेइंग प्रॉब्ली द सेम कैरेक्टर. आई वॉन्टेड समथिंग यू नो फ्रेश, एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई फाउंड म्यूजिक, एंड द हैप्पीनेस एंड द फ्रेशनेस आई गेट फ्रॉम म्यूजिक, इट्स ब्रिलियंट. वेट ही कर रहा था मैं, मतलब इस सीजन ने तो कुछ और ही कर दिया. मैंने सुनने में आशा दो हफ्ते और एक्सटेंड हो रहा है अभी. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट इट्स क्रेजी यार. हैट्स ऑफ टू देम जो अभी तक उतनी एनर्जी से अंदर रह रहे हैं. हम लोग तो मेरे 70-75 में थैंक यू हो गया था मेरा. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन देयर, एंड दे आर डूइंग ब्रिलियंट. पर्सनल फेवरेट्स इफ यू आस्क मी, आई लव शहनाज, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, बट बीच में उसकी हरकतों से मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, बट आई थिंक विच इज ओके. एंड सिद्धार्थ, जितना मैं उनको पहले जानता था, इज अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इन द हाउस, एंड आई लाइक ही इज लिटिल सेंसिबल, यू नो, वेरी सेंसिबल इन फैक्ट. एंड बाकी आज से मैं लाइक है पीपल, बट इट्स गुड फन. अच्छा मज़ा आ रहा है देख के. शुक्ला जी इज ब्रिलियंट, आई लव हिम एट टाइम, मतलब 90% आई लव हिम, बट देर आर टाइम्स दैट आई डोंट रियली, मतलब ही इट्स ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ द हाउस, की कई चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी कहीं नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक आई लव हिम फॉर व्हाट ही इज. आसिम अगेन आई लव, बट वही कुछ ऑन एंड ऑफ है. सिद्धार्थ इज डूइंग ब्रिलियंट, आई थिंक फॉर मी इधर सिड और शहनाज. मज़ा आ रहा है, एक एक डिपार्टमेंट संभाल लिया हम लोगों ने अभी, तो मैंने कहा मेरी से टी वी तो कर ले, और उसको जितना म्यूजिक तो क्या ही करनी थी, मैं कर रहा हूँ अपनी म्यूजिक. इट्स गुड फैन. थैंक यू गाइज, थैंक यू. एक्चुअली हम लोग हमेशा ब्रांड्स के लिए परफॉर्म किए हैं या स्टेज शोज के लिए, बट ये एक अलग है बिकॉज इसमें बहुत इमोशंस भी अटैच्ड है. हमारे फैंस जो हमें वीडियोस में देखते हैं, आज वो यहाँ पर आए हैं हमें लाइव देखने के लिए, और काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रैक्टिस चल रही है, तो एक इमोशनल कनेक्शन भी है इस परफॉर्मेंस से. सारे क्रिएटर्स लोग के लिए एक शो है जो बहुत ही घर वाला फीलिंग है, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. काफ़ी टाइम से हम ऐसा कुछ के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले जब म्यूजिकली था तभी एम एन जीज मीट एंड ग्रीट्स बहुत होती थी, और अब उसके बाद ये वाला जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग है और अच्छे वाइब्स है. तो
एक्चुअली बताना नहीं चाहते हैं, चलो ये वैसे भी आई थिंक बाद में आने वाला है. सो हम बेसिकली फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब रीजनल एक्ट कर रहे हैं, जैसे हर इंडिया के फ्लेवर्स दिखा रहे हैं, मराठी पंजाबी for our fam. South Indian. पूरे but not मतलब एकदम वो proper वाले नहीं, but एकदम तड़का वाले जो होते हैं ना, authentic जा रहे हैं. और आप देखना, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. नहीं नहीं, आज मैंने छुट्टी लिया है, आज मैं सिर्फ परफॉर्म करूँगा जो मैं एक्चुअल में करता हूँ. सो मैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने वाला हूँ, और मैं शायद टीच भी करूँगा डांस मेरे फैंस लोग को ऊपर स्टेज पे जाके. बहुत कुछ आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है. एक चीज़ है जो हमको बताना है कि एक म्यूजिक वीडियो है जो हम फीचर कर तो रहे पर उसमें हमने डायरेक्ट भी किया है. सो स्टोरी लाइन डायरेक्शन हम दोनों कर चुके हैं, अब देखते हैं उसका कैसा लुक आएगा. सलमान सर को कब डांस कराने वाले आप अपने सॉन्ग में? आप कपिल शाह को आप डांस करवाते, तीनों खान को कब आप डांस करवाएंगे? इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम बहुत. कौन सा गाने में आप डांस करवाएंगे कुछ बता दीजिए सलमान सर को. फिनाले आ रहा है बिग बॉस का, तो सलमान सर के लिए क्या आप सबको नचाते हैं बताइए आप. सलमान के तो उनके गाने इतने होते हैं, उनके गाने इतने वो उनपे बेस्ट सूट करते हैं, तो और कुछ नहीं, वो दबंग दबंग एंड ऑल. आई थिंक हाँ, उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, वो खुद ही एक वो मेरे ख्याल से तो कोरियोग्राफर का काम सबसे इजी कर देते हैं, क्योंकि वो ही सिग्नेचर निकाल देते हैं एक 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 से एक. थैंक यू सो मच. मैं आज स्पेशली यहाँ पे आया हूँ गाना गाने के लिए, एंड स्पेशली कुछ प्रमोट करने के लिए भी. टिकटॉक के गाने भी गा रहा हूँ आज मैं स्पेशली, तो रुला के गया इज द सॉन्ग विच आई एम गोना सिंग फॉर ऑल ऑफ देम. एंड इट्स अ बिग नाइट, सारा बॉम्बे आ गया है मुझे लग रहा है, यहाँ पे बॉम्बे पूरे आसपास के सारे लोग आए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप परफॉर्मेंस सबको पसंद आया एंड सब लोग इन्जॉय करें आज की रात को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Just do one more picture. Stand there, stand there. Okay. Just this side? Ah, there, there. Yes. Yes. I am so excited, and this is the first time, you know, when we started with digital influencers, videos banana shuru kiye the, and it really became a trend in 2019, and in 2020 we actually have a digital influencers fest, you know, epic fam jam 2020. So I think hats off to Kyuki for getting such a brilliant idea of, you know, organizing a festival where you get all the digital influencers together for all the fans. So I think this is a big and a proud moment looking at the response here. So very excited, I'm going to be performing tonight and performing on all my favorite songs, all your favorite songs, Tere Bin Ki Mein, Nazar Na Lag Jaye, Fruity Lag Diye, and so happy to be a part with everyone, Team 07, Teen Tigada, Aviz Nagma, and Avneet and Siddharth, Jannat, we all have worked the entire year, or aaj sab hum apne apne gaano pe perform kar rahe hain, so it's a proud moment for all of us. I love all of them. I didn't want to say that, you know, ye mera favorite hai, but I love all of them, and I think all people also love all of them. So tonight the epic is going to be Fruity Lag Diye, celebrating 70 million viewers. So excited to perform on. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स लोग का इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, वो भी क्यूकी और पेटीएम इनसाइडर मिलके कोलैबोरेट करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और इतना बड़ा स्टेज है, इतने सारे लोग आए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है.
और सब जन परफॉर्म कर रहे हैं और सब लोग का जॉनर भी ऐसा है जो अभी तक का लोग तो मैं एक्साइटेड हूं, मैं फर्स्ट टाइम डांस कर रहा हूं, वो भी इतने बड़े स्टेज पे, सबसे ज्यादा तो हंसते हैं, अंदर से डर भी लग रहा है कि हम लोग तीनों को तो लोग दोनों का ही देखने का डांस तीन लोग कभी किए नहीं। बहुत सारी चीजें भी हो रही है, जैसे फैन जोन है, सुपर फैन जोन है, एपिक आफ्टर पार्टी भी है, वो प्राइवेट पार्टी होने वाली है, तो बहुत मजा आने वाली है। जैसे अभी हम लोग शूट किए, सुबह से हम लोग शूट ही कर रहे थे फैंस लोग के साथ में, तो सुपर फैन जोन का था, तो उसमें भी अलग अलग कंटेंट थे कि कोई जिम वाला बंदा है तो कोई बाइक राइडर है, कोई कोई सुपर फैन में है, तो बहुत मजा आया सुबह से, बहुत ज्यादा अभी तो सब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सबसे ज्यादा अभी खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके जिसके लिए हम लोग तीन दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, हालत खराब हो गई है, हालत खराब हो गई है, कुछ खाए पे नहीं है, दो दिन से सोए नहीं है, मगर हम लोग अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे जरूर, आग लगा देंगे। तो वो अभी नहीं बता सकते, सरप्राइज है, मजा नहीं आएगी, अभी बता देंगे, मजा नहीं आएगा, तो सबसे हटके है इस बार वाला और सबसे अच्छा लगेगा और सबसे धमाकेदार है, सारी चीजें परफेक्ट है, और फील है, फील और फील ऐसा है कि पूरी पब्लिक झूमेगी, मस्ती है, मस्ती है, पूरी पब्लिक झूमेगी। ओके सो फैजो, आपने तो यू नो काफी सारे अवार्ड फंक्शन अटेंड किए हैं इससे पहले, बट कितना अलग है ये आपके लिए? ये बहुत अलग है और बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी तक का जियो गार्डन में मैंने ऐसा इवेंट देखा नहीं हूँ जैसे एपिक फैम जैम हमारी कंपनी कर रही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, तो बहुत मजा आने वाली है और सबसे अलग ही होने वाला है ये इवेंट अब तक का, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके अलावा जो अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है वो है बिग बॉस, बहुत छाया हुआ है, कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग सब लोग? देख रहे हैं बिग बॉस भी, मगर अभी आजकल कुछ एक डेढ़ हफ्ता हो गया नहीं देख पा रहे हैं, और हमने सुना है कि उसमें आसिम एक बंदा है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही है जैसे हम लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा ग्रो कर रहा है उसमें, तो ऐसी सपोर्ट रहेगा उसको हमारी तरफ से भी, इंशाल्लाह जीतेगा वो। मेरा भी फेवरेट आसिम ही है, मैं इससे पहले फैज के सॉन्ग लॉन्च में भी मैं बोला था, हाँ आसिम और शहनाज की बात करने का जो बात करती है वो बहुत अच्छा है, डायलॉग वायरल था ना, अच्छा खेल, सबको खींचती है अपने तरफ, मैं भी टिकटॉक पर मैं वीडियो बनाया था, इतनी सुंदर लड़की भी पॉटी करती है, मगर जिसका बिग बॉस में नेचर खुला होता है और जो खुले मिजाज का होता है ना वही जीतता है, जो रियल होता है, तो हम लोग ने उसको आसिम में देखे उस चीज़ को, उसका एकदम खुला मिजाज है और वो जैसा खेलता है ऐसा लगता नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड है, तो बहुत सही खेल रहा है वो, स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है वैसे, कैप्टन रियलिटी क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ, स्क्रिप्टेड मतलब वहाँ पे हवा उसका, अदनान बताएगा इस बारे में, इसके बारे में उसके लिए मैं गया था प्रोटेस्ट के लिए, लो प्रभु ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग के सपोर्ट और प्यार से आज हम लोग यहाँ है, इंशाल्लाह हम लोग आप लोग को ऐसी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल। Hi, this is Gajendra Verma and this I'm really glad to be at Epic Fam Jam and it's a great initiative by QK and I'm a part of this team and you know, feeling lovely and excited for the performance. So many people have come, so yeah, so hope to have you on the stage side. See you guys. आज की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, किस गाने पे किस तरीके की परफॉर्मेंस होने वाली है आपकी? हम लोग की लोगों का तो नहीं पता, मैंने तो ऐसे एक मॉडलिंग वॉक था, मैं जो स्टाइल करता हूँ, मैं जो स्टाइल की वजह से फेमस हूँ, लिरिकल फील, वो स्टाइल मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसके बाद भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें की है मैंने, लाइक डांस के साथ में घोड़े पे चढ़ रहा हूँ, घोड़े पे से उतर कर मैं कार में बैठ रहा हूँ, कार में से लाइक उतर के मैं चाबी फेंक के बोल रहा हूँ कुत्ता पार कर दे, वैसा कुछ थीम था, वो बहुत मज़ा आया। मैंने भी गया स्टेज पर गया और डांस थोड़ा किया, सलमान का फैन और मैं अपनी बॉडी दिखाया और रैंप एक शो है रैंप किया बस इनफ, और उन लोग से उनका हाल पूछा, थोड़ा नॉलेज दिया, उनसे नॉलेज दिया। ओके जी, साथ में अंदर जाके फैंस से भी मिलने वाले हैं आप लोग, तो व्हाट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग अंदर, किस तरीके का रिस्पॉन्स तो अच्छा ही होगा ये तो पता है, और मुझे यहाँ पे मुंबई से बहुत लोगों ने हमें नहीं देखा, तो उन्हें भी चांस मिलेगा हमें देखने
मैं यार कहीं भी मतलब जो भी मेरे चाहने वाले यार वो इतना प्यार देते ना कि मुझे तीन तीन चार चार घंटे रूम में बंद किया हूँ। मैं ऐसे इवेंट में गया हूँ ना कि जहाँ पे रूम में बंद कर दिया, स्टेज पे भी पहुँचा हूँ पाँच मिनट के लिए, वहाँ से निकल गया हूँ। मतलब मैं जाता हूँ उन्हीं के लिए, बट वो इतना प्यार देते थे ना कि वो हद से ज़्यादा हो जाता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लास्ट में दूल्हे गया था, तो दूल्हे में तो ऐसा हो गया था कि उन लोगों को सिर्फ एक फ़ोटो लेना था मेरे साथ। उसके लिए उन लोगों ने जो म्यूज़ियम था जहाँ पे मेरा शो रखा था उसको तोड़ फोड़ कर दिए, पुलिस आ गई वहाँ पे, मतलब लाइक कमांडो आ गए। यार मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे लिए हो रहा है, मतलब सोच रहा था कि इतना सब मेरे लिए हो रहा है। तो मैं बस वही कहना चाहूँगा, यहाँ तो उतना मतलब होगा नहीं, अगर होता भी है तो बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे, इतनी नहीं थी, बट यहाँ पे है तो बहुत सारे मज़े किए हम लोगों ने। और भी करने वाले तो फैन बी रेडी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे बस यही बताया कि तुम मुझे प्यार देने वाले हो और बहुत प्यार देते हो और यहाँ भी प्यार ही मिलना है, तो बहुत मज़े करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्टिंग, यार इतना प्यार देते हो, वन साइड बेबी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। ऐसे ही प्यार देते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों की प्यार की जरूरत है, और मतलब जितना प्यार तुम अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो यार, उतना उतने में से 1% हमको दे दोगे, क्योंकि आई नो यार आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करते हो, तो उसमें से 1% मांगेंगे हम, क्योंकि वो 1% बहुत हाई लेवल तक हमको और सपोर्ट लेके जाएगा। तो बस वही कहना चाहेंगे हम लोगों को, थैंक यू सो मच।